हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस आप देख रहे हैं अपना चैनल रेखा क्रिएशन। गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे सूट की कटिंग। तो यहाँ पे हमने ये जो फैब्रिक लिया है, ये इस प्रकार से नेक पे इसके कुछ पैटर्न है। तो इस पैटर्न में आप देख सकते हैं कि नीचे बॉर्डर दे रखा है और ऊपर के साइड इस प्रकार से नेक की पट्टी दे रखा है। तो हम यहाँ पे इसकी लेंथ है मेजर करेंगे। तो लेंथ इसकी आ रही है, ये हमारी बराबर 40 इंच ही आएगी। थोड़ा सा हाफ इंच कम ही लग रही है, लेकिन मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जिनका इससे छोटा बनाना है, जैसे आपकी लंबाई ज्यादा हो रही है तो आप कैसे कम करें। आपको क्या करना है, या तो नीचे की पट्टी निकालनी या तो गले का निकालना। तो इस केस में हम गले का ही निकालेंगे, क्योंकि यहां से अगर हम नेक की कटिंग कर देंगे तो ये पट्टी हमारी कट के आधी निकल जाएगी। तो हम पट्टी को निकाल लेंगे, गले कटिंग करने के बाद यहाँ से अटैच करेंगे। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले यहां से देखिए ओपन कर लेंगे। ये पीछे वाला पार्ट है, इसको हम साइड में रखते हैं। इस पट्टी को हम निकाल लेंगे, पट्टी हमारी निकल गई। आपको इस प्रकार से फोल्ड लेना है। तो यहां पे जब मैं फोल्ड ले रही हूं तो देखिए ये कपड़ा हमारा तिरछा आ रहा है। इसका रीजन क्या है कि देखिए ये जो बॉर्डर जुड़ा है और इस साइड इतने 1 इंच से जुड़ा है और इस साइड करीब 2 इंच से जुड़ा है। तो यही चीज यहाँ पे घटबड़ हो रही है। तो हमको ये बॉर्डर भी निकालना पड़ेगा। बॉर्डर निकालने के बाद हम फिर इसकी कटिंग करके बाद में अटैच करेंगे स्टिचिंग के टाइम। अगर ये हमारा सिंपल सिलाई अच्छी तरह से होती तो हम इसको बिना निकाले भी कटिंग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आपको भी जब सूट की कटिंग करें तो इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। ये हमने अब हम इसका फोल्ड लेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड है, ये हमारा सीधा फैब्रिक है। अब हमको ये फोल्ड कितना लेना है, जो भी आपकी हिप की साइज है उसमें 4 इंच की लूजिंग डाल के आप इस प्रकार से फोल्ड लीजिए। लंबाई आप देख लीजिए एक बार, 40 इंच हमको रेडी रखना है। तो ये हम बराबर में इतना कट कर लेंगे और नीचे बॉर्डर अटैच होगा। जो लेंथ आएगी ये हमारी करीब 39.5 इंच की आ रही है, उससे ज्यादा नहीं हो पा रही है। तो यदि आपकी लेंथ ज्यादा है तो आप नीचे से काट के निकाल सकते हो। देखिए हमने इंच टेप को इस प्रकार से सीधा रखा और यहाँ पे एक निशान हमने 7 इंच पे दिया, दूसरा निशान 14 इंच पे, तीसरा निशान 21 इंच पे। तो ये हमारे 3 निशान आ गए हैं नॉर्मल साइज में। आपके अगर साइज छोटी बड़ी है तो आप हाफ हाफ इंच इसको ऊपर और निशान को लगाइए। जैसे ये पहला वाला 6.5 इंच पे लगा सकते हो, दूसरा फिर 6.5 इंच के गैप पे, और तीसरा आप अपने पुराने सूट वगैरह से नाप लेके देख सकते हो कि आपकी हिप कहाँ से खुली है, तो उस हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मैंने ये 3 निशान लगा लिया नॉर्मल साइज में। अब हम यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट वाली लाइन पे रखेंगे हम चेस्ट की साइज। चेस्ट का 4th भाग जो भी होगा आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिए, उसका 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन। कमर का 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन। हिप का 4th भाग प्लस में 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे सूट की साइज है, चेस्ट की साइज 33 इंच है, तो हमने यहाँ पे रखा 8.25 इंच। कमर की साइज 32 इंच है, उसका 4th भाग 8 इंच, और हिप की साइज 36 है, तो उसका 4th भाग 9 इंच हमने इस प्रकार से लगा के सीधे स्ट्रेट लाइन नीचे तक मिला लेंगे। अब हमने तीरा लिया है 6 इंच का, गले की जो चौड़ाई ली है 2.25 इंच की ली है, और गले की जो लेंथ हमने आगे की रखी है वो 6 इंच की रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग गले की लेंथ ले सकते हैं, कोई भी पैटर्न यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप ही दिया है, और तीरे की लाइन को हम सीधा करने के लिए नीचे से भी 6 इंच यहाँ देख लेंगे और इस प्रकार से लाइन मार्क लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम यहाँ पे आर होल की गोलाई लेंगे। तो आर होल हमको देखिए यहाँ से 1 इंच पे हम लेंगे, बिल्कुल पास से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक वाले का हम थोड़ा सा 1/2 इंच डिफरेंट रखेंगे, और यहाँ पे अब हमको आप चाहे तो 1.5 इंच या फिर 2 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लगा रही हूँ। इस प्रकार से थोड़ी सी हम कमर में ऐसे गोलाई दे देंगे और इसी पैटर्न पे हम कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। देखिए कमर में कट लगा लेंगे और हिप पे कट लगा लेंगे। पीछे वाले पार्ट की कटिंग करने है तो उसके लिए हम ये फैब्रिक लेंगे पीछे वाले का। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कटिंग कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से फैला के रख लिए पूरे फैब्रिक को। तो इसको हम इस प्रकार से ओपन कर लेंगे और यहां पे हम सेट करेंगे। देखिए अब हम यहां से कटिंग उठाएंगे। अब यहां से आपको कटिंग थोड़ा सा कर्व शेप इस प्रकार से देना है, इस प्रकार से हाफ इंच का मार्जिन यहां पे रखते हुए देना है। देखिए यहां पे हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। ये पीछे वाला पार्ट है, नहीं तो आपके पीछे वाले पार्ट में खिंचाव आना शुरू हो जाए। पीछे वाले पार्ट के कटिंग में बस हमको आर्म होल में ही चेंज करना होता है और सारा पैटर्न हम सेम कट करेंगे साइडों से। और नीचे के साइड हमने फोल्ड के लिए 1 इंच 1.5 इंच छोड़ेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और जो भी सेम कट है हम लगा लेंगे। अब पीछे के साइड का जो गला हमको छोटा रखना है तो हमने इस प्रकार से फिर से फोल्ड कर लिया पार्ट को और यहाँ पे हमने 4 इंच का गला इस प्रकार से राउंड शेप में कट कर दिया। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अलग दे सकते हो। तो यहाँ पे हमने राउंड शेप ही कट किया है। बैक पार्ट में यहाँ पे पट्टी हम अटैच करेंगे। आगे वाले गले के लिए हम कैनवास की पट्टी कट करेंगे। पीछे वाले में हम ऐसे सेम चिपटी पट्टी तुरपाई की डालेंगे। गाइज वीडियो में आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम स्लीव की कटिंग के लिए फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो हमने ये 4 फोल्ड ले लिया। अब हम इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ हमको रखनी है 16 इंच रेडी। तो हम यहाँ पे 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 17 इंच पे हमने एक चौक दिख नहीं रहा, एक निशान लगा लिया 17 इंच पे। और ये मुद्दा हमको रखना है 5 इंच का। ये 5 इंच हो गया मुद्दा। किसी भी ड्रेस की जब आप स्लीव की कटिंग करते हैं तो जब आप ये 4 फोल्ड लेते हैं तो ये फोल्ड हमारा कितना होना चाहिए हमारे आर्म होल में बिल्कुल परफेक्ट साइज आए। तो जो आपका चेस्ट की साइज है उसका 1/4 भाग लेना होता है। तो यहाँ पे हमने जो चेस्ट रखा है ये हमारा करीब 1/2 इंच कम आ रहा है। देखिए ये 1.25 इंच आ रहा। हमारी जो चेस्ट की साइज सूट में कटी थी ये कटी थी 1.25 इंच की। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ से जो आर्म होल डाउन करते हैं 2.5 इंच पे करते हैं तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने कर लिया है 3 इंच पे। 3 इंच पे अगर आप आर्म होल डाउन करते हैं, डाउन मार्क थोड़ा सा बढ़ा लिया, तो जब हम आर्म होल का शेप देंगे तो यहाँ पे ये राउंड शेप हमारा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जिससे हमारे आर्म होल में ये बिल्कुल परफेक्ट साइज आ जाएगी बाजू की। यदि आपका कपड़ा ज्यादा कम है तो आप साइड से जोड़ लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन यहाँ पे हमारा थोड़ा सा 1/2 इंच कम है तो हमने इस आर्म होल का जो डाउन है इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया है। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे डाउन मार्क लगा दिया है और इस प्रकार से हम आर्म होल का शेप दे देंगे। आप लोगों को दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये कलर हमारा सेम पैटर्न में हो जा रहा है। चलिए मैं ये पेन ले लेती हूँ, पेन भी शायद नहीं दिखेगी आप लोगों को। इस प्रकार से हमने लगा लिया। लगाने के बाद अब हम ये जो हमारा, तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच पे आर्म होल की साइज रख ली है और यहाँ से हम कर्व शेप देते हुए आर्म होल का घुमाव ले लेंगे और ये हम इस प्रकार से थोड़ा सा सीधा आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा जो है 5 इंच मुद्दा की साइज है और इसको हम इस प्रकार से मिला लेंगे। मुताबिक साइज हमारी मिल गई है। अब हम इसी पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 17 इंच रखा है। अगर आपको फोल्ड रखना तो 1 इंच आप बढ़ा के रखिए। मैं यहाँ पे जो सलवार का फैब्रिक है उसका यहाँ पे अटैच करूंगी तो ये 1/2 इंच ही दबेगा। आपको फोल्ड लेना तो आप 1 इंच मार्जिन रखिए। गले कटिंग के लिए बकरम लेंगे। तो बकरम पे हमने पीछे वाले पार्ट के लिए चिपटी पट्टी लगाना, आगे वाले पार्ट में हम इस प्रकार से जो हमारे गले से निकला हुआ ये पैटर्न है इसको रखेंगे और ये हमारा बकरम फोल्डेड है और इस प्रकार से इसको रख लेंगे बराबर में। रख लिया और यहां से हम इसका पैटर्न ले लेंगे।
पैटर्न अब हम 1 इंच की इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसका कटिंग कर लेंगे। पे हमारे पास कोई बर्डी सी पीस नहीं है तो हम यहाँ पे जोड़ डाल के अटैच करेंगे बाद में नेक को। और यहाँ पे हमने पीछे वाले गले के लिए चिपटी पट्टी 2 इस प्रकार से कट कर ली है जो तुरपाई की हम डालेंगे। तो ये हमारी दोनों पट्टियाँ हो गई, ये स्लीव हो गई और ये हमारा आगे वाला पार्ट, दोनों पट्टियाँ जो नेक के और बॉटम का है, ये आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट। तो इस प्रकार से हमारी पूरी सूट की कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। अब हम फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।